दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस मतलब आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों आईआरएफसी ने आज रिवर्सल दिया है, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। बट सबसे बड़ी चीज पहले यहाँ पे बजट रहने वाला है। एंड इस वीडियो में दोस्तों बजट के रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है, जैसा कि आपको हम बताने वाले कि दोस्तों देखो हमारा जो केंद्र मतलब यहाँ पे वित्त मंत्री आपको पता है निर्मला सीतारमण, एंड उनका ये तीसरा बजट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, उनका तीसरा बजट है, जिसी के साथ दोस्तों वो है एक अपडेट आज उनके रिलेटेड बताई गई है कि जो यहाँ पे बजट आने वाला है फरवरी में आपको बजट दिखेगा, एंड जो चुनाव है लोकसभा के वो आपको अप्रैल के आसपास देखने को मिलेंगे। तो जो मेन बजट है दोस्तों वो अप्रैल के बाद आपको दिखेगा। तो उसमें दोस्तों बड़ी अनाउंसमेंट नहीं जो गवर्नमेंट बनेगी वो करेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो बड़ा मूवमेंट है या तो Q3 के आसपास दिखेगा या फिर अप्रैल के आसपास दिखेगा। तो यहाँ से देखो दोस्तों अब जो यहाँ पे फरवरी के आसपास बजट आएगा, इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ज्यादा उम्मीदें ना रखे बजट से, यहाँ पे जो नॉर्मली चीजें हैं वो ही दिखेगी यहाँ से। तो उनकी तरफ से ये अपडेट दिखा है। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों कि मौद्रिक नीतियों का डाटा आज देखने को मिला है। जो यहाँ पे ब्याज दरें हैं उसको बढ़ाने का उम्मीद थी, मतलब यहाँ पे जो ब्याज दरें हैं बढ़ेगी घटेगी उसके रिलेटेड भी आज फैसला यहाँ पे दिखा है, जो कि हर 3 महीने में ये बैठक होती है RBI की। उसमें बताया गया कि जो रेपो रेट है उसको सीमित रखा गया, जैसा कि करंट टाइम पे चल रही है। तो ये दो बड़े अपडेट्स थे मार्केट के रिलेटेड यहाँ से। एंड जो IRFC है दोस्तों डायरेक्ट हिट करता है रेलवे से जो भी अपडेट्स यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि ये दोस्तों करता क्या है, ये फाइनेंस करता है। जैसा कि यहाँ पे RVNL RVNL वगैरह को ये फंड देता है कि आप प्रोजेक्ट पूरा करें, उसके बाद जो पैसा आता है उसमें से दोस्तों कुछ लिमिटेड प्रॉफिट पे ये चीजें देता है। जैसे इसका पता है आपको प्रॉफिट कितना होता है, मतलब जो मार्जिन इसके कितने होते हैं, 99% के आसपास के इसके जो मार्जिन है वो देखने को मिलते। तो इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट तो कुछ आती नहीं है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे जो भी पैसा बचता है पूरा कंपनी के पास ही जाता है। तो अभी के टाइम देखो लॉन्ग टर्म वालों को तो मैंने पहले भी कह रखा है कि भाई लॉन्ग टर्म में तो चीजें ऊपर ही जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव ही घटेगी, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे दिखेगा। तो वो वॉलिटिलिटी यहाँ पे दिखेगी, एंड जो तेजी है वो अभी के टाइम कंसोलिडेट कर रहा है। अभी के टाइम जो चार्ट पैटर्न है वो ये नहीं कह रहे कि भाई कोई बड़ा बाउंस है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आप एंटर हो रहे तो चीजें क्लियर कर दूं कि आप इसमें एंटर ना हो। अभी के टाइम अगर देखो जाए देखे जाए दोस्तों डाटा यहाँ से, तो बड़े प्लेयर एंटर हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे माल खरीद रहे हैं। आज भी अगर देखोगे 33% की डिलीवरी है, उन्होंने यहाँ पे 1.5 करोड़ शेयर खरीदे थे। इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पे तो अराउंड 150 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज फिर यहाँ पे देखने को मिला है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो लेके बैठे रहिए। लॉन्ग टर्म में बड़ी चीजें यहाँ पे, क्योंकि इस बार जो रैली आएगी वो इजिली यहाँ से देखो 100% तक की तेजी। हमने देखा जो ₹35 का शेयर था वो 95 गया। अगर बताऊं मैं तो कम से कम 140% के आसपास की रैली दिखी थी। अब की बार की मैं बात करूं, अब की बार कम से कम दोस्तों अगर तेजी आती है तो पहला टारगेट तो 120 का रहेगा ही रहेगा। अगर उसके बाद चीजें पॉजिटिव रहती है तो इजिली 150 तक भी आसानी से नजर आ सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना आप वेट कर रहे हो उसका परिणाम आपको एक झटके में यहाँ से मिल जाएगा। तो आप ये ना सोचिए कि मार्केट जा रहा है स्टॉक नहीं जा रहा है, तो ये चीजें घटती रहती है। तो अभी के टाइम देखो डाटा है पूरा पॉजिटिव है, ऐसा कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है कि आपको यहाँ पे लॉस हो एंड स्टॉक वापस जिस रफ्तार से गया था उस रफ्तार से यहाँ से नीचे की तरफ जाए, ऐसा कोई चीजें देखने को नहीं मिल रही है। एंड बिल्कुल लॉन्ग टर्म बेसिस यहाँ पे मौका आपको देखने को मिल रहा है, जल्दबाजी नहीं करें। जो टेक्निकली डाटा है वो मैं आपको बता देखिए, अभी के टाइम अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मार्केट में आज वॉलिटिलिटी नजर आई, इसके साथ IRFC में पॉजिटिविटी रही है, कंसोलिडेशन ये कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ से कोई बड़े जंप के लिए हम नहीं कर रहे कि भाई बड़ा जंप आएगा बाय करें। शॉर्ट टर्म वालों के लिए कि भाई देखो चीजें सही है, आप बस ये चीज कह सकते हैं यहाँ पे कि करेक्शन नहीं आएगा, बस करेक्शन के लिए कह सकते हैं कि भाई कंसोलिडेशन कर रहा है तो करेक्शन की उम्मीद ना करें। एंड अभी के टाइम कंसोलिडेशन स्टार्टिंग हुई, Q3 के आसपास कोई बड़ा बाउंस आ सकता है यहाँ से। एंड 57 का RSI देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट का RSI इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे है। एंड अगर आप सोचेंगे कि भाई ये तो ऐसे ही बता रहा है, बाउंस तो यहाँ पे आएगा, आज तेजी दिखी है, डेफिनेटली कुछ अप हफ्ते में तेजी दिखाएगा। तो आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कंसोलिडेट किया तेजी, कंसोलिडेट तेजी, फिर से कंसोलिडेट तेजी, एंड कंसोलिडेट जितना करेगा उतना ही बाउंस दिखाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेट आपको दिखा है, उसके बाद बड़ी रैली भी स्टॉक ने दिखाई है। जिस प्रकार से कंसोलिडेट करेगा उस प्रकार से रैली भी दिखाएगा यहाँ पे। तो जल्दबाजी ना करें, एंड खरीदने के लिए बिल्कुल बोल रहे हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए। एंड बिल्कुल मैं लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बताता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में चीजें सही होती है, लॉन्ग टर्म में धमाका होता है। एंड टेक्निकली बुलिश देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। एंड यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, अगर ब्रेकआउट होता है डेफिनेटली ये रैली दिखा सकता है, बट ब्रेकआउट होना भी चाहिए। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट बनेगा इसका 81.50 पैसे का यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट बड़ी चीज यहाँ पे रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म बेसिस में ब्रेकआउट दे भी देता है तो मोमेंटम बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट ब्रेकआउट अब शॉर्ट टर्म वालों को करना क्या है, ब्रेकआउट के बाद ही बाई करना है। ब्रेकआउट कौन सा है, 81.50 पैसे का, इसके बाद एक नया हाई लगने के चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दे, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे होगा तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको ध्यान में रखे भी बाई कर सकते हैं। ठीक है।